स्वच्छ भारत का सपना देखा था महात्मा गांधी ने। गांधी जी के इसी सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान का असर देश के हर कोने में देखने को मिलता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में साफ तौर पर देखा जा सकता है, घाटी का हर घर और यहाँ की सड़कें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। जी हाँ, स्वच्छता और स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देने के लिए एक सराहनीय प्रयास श्रीनगर के SP हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा किया गया। आज ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, NSS और इको क्लब के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उसमें एक एक्टिविटी है स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ही सेवा के तहत आज का जो 26 सितंबर का शेड्यूल था वो हॉट स्पॉट्स लेने थे हमें, टूरिस्ट स्पॉट्स एंड कुछ बस स्टैंड जहाँ पर हमने देखी थी ये लेटर कूड़ा करकट वगैरह, तो वो साफ करना था। तो हम यहाँ पर इस प्रताप पार्क में आज आए हैं। यहाँ पर हमने बहुत गंदगी भी देखी थोड़ी बहुत, तो वो हमारे इन बच्चों ने जी जान के साफ किया। तो इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर आगे सोमू अड्डा है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमने सुबह वहाँ से आते देख के हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत कूड़ा करकट है, वो भी हम साफ करते हैं। स्वच्छ और हरित शहर की दृष्टि से प्रेरित होकर सभी छात्रों ने स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने के अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। सफाई अभियान श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में चला, जिनमें पार्क, सड़कें और सार्वजनिक स्थान शामिल थे। आज का हमारा जो शेड्यूल था वो था क्लीननेस ड्राइव। तो आज हम प्रताप पार्क में सफाई अभियान कर रहे हैं। जो भी हमें कूड़ा करकट मिलता है अपना अपने माहौल में, इस पार्क में या फिर इस पार्क के इर्द गिर्द, जो हमारा आज का शेड्यूल है, तो हम उसे उठाकर डस्टबिन में डाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं। सो ये हमारा आज का शेड्यूल है। तो कितना जरूरी समझते हैं आप सफाई? हम कह सकते हैं हम सफाई के बगैर कुछ नहीं है। सफाई हमारे लिए, हम ये खुद के लिए ही कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अवर फ्यूचर। हम कह सकते हैं जैसे पैंडेमिक ने हमें हिट किया, हमारी इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, हमें बहुत चीजों पे ध्यान देना है, हाइजीन पे ध्यान देना है। सो हम सबको मिलके इस पे बहुत ही गौर फिक्र करना है कि कह सकते हैं हमें सफाई इतनी इम्पोर्टेंट समझनी, इसको इतनी इम्पोर्टेंस देनी है, इसके बगैर हम नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। छात्रों के उत्साह और समर्पण से स्पष्ट था कि वे अपनी स्कूल की प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़कर बदलाव लाने के लिए स्वेच्छा से अपना समय देकर साफ सफाई को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आज हमारी ये जो क्लीनस ड्राइव थी, माहौल को साफ सफाई करना, माहौल को नजर देखना कि माहौल में कैसे गंदगी है वो सफाई करना, और बाकी लोगों को भी ये चीज दिखाकर इम्प्रेस करना और उनको बताना कि नहीं, खाली कूड़ा नहीं डालना है, कूड़ा उठाना भी है, अगर कूड़ा फैलाते हैं वो उठाने भी वापस है। तो इसीलिए आज SP हायर सेकेंडरी की तरफ से ये क्लीनर्स ड्राइव हुई थी। आपको लगता है इससे सोसाइटी भी अवेयर होती? जी जी, इस ड्राइव से सोसाइटी भी अवेयर होती, क्योंकि जब लोग देखते बच्चे करते हैं क्यों, बड़े क्यों नहीं करेंगे, जब इंसान देखता है कि नहीं वो करता है, मुझ में क्यों शर्म, मैं क्यों नहीं करूंगा, तो इस वजह से हम ये चीज करते हैं। तो आपको लगता है हर किसी को पार्ट लेना चाहिए? हर किसी को इसमें पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि बकौले अल्लाह तबारक व ताला, जब माहौल साफ रहता है अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान के दिल भी साफ करता है। जब क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप माहौल को ठीक करोगे अल्लाह तबारक व ताला आपके दिल को ठीक रखेगा। तो इस एतबार से ये कोई शर्म की बात नहीं, हम अल्लाह के नजदीक ये जो काम है साफ सफाई, ये बड़ी अहमियत रखता है। हम यहाँ स्वच्छता ही सेवा की मुहिम के तहत यहाँ पर जमा हुए हैं, हम यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। हमारा मेन मोटिव है यहाँ साफ सफाई करना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पर लोगों को मैसेज दे सके कि हमारे लिए क्लीनलीनेस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जहाँ पर कचरा रहेगा वहाँ पर बीमारियां भी रहेंगी और जो लोग इससे अफेक्टेड होते रहते हैं। आपको लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निकाला है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि हर जगह इस इनिशिएटिव का फॉलो करना चाहिए, हर लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो सफाई का प्रोग्राम है आमतौर पे लोग इसे शर्म महसूस करते हैं कि हम सफाई नहीं करेंगे, कि अच्छा काम नहीं है, और लो कास्ट की तरफ जाते हैं कि ये इनका काम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम सबका काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये करना है, ये हम सबका काम है और हम सबको इसमें मिलजुल के सहयोग करना चाहिए।
ऐसी चीजें होनी चाहिए और ये बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए और लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसलिए हम यहाँ मैसेज देने के लिए आए हैं असली में। इस अभियान ने न केवल स्वच्छता बनाए रखने में मदद की बल्कि उचित अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई।